अगर एक पार्टिकुलर एम मास का कांस्टेंट पावर डिलीवर करता है के वाट का, अगर रेस्ट से स्टार्ट करता है तो टी टाइम बाद पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, द फोर्स एक्टिंग, फोर्स एज ए टाइम ऑफ फंक्शन, फोर्स टाइम डिपेंडेंट है, तो उसमें से कौन सा होगा? पहले ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली मैं थियरी में तो इसको करवा ही देता हूँ, तो ये कई बार आया हुआ है। अगर एक पार्टिकल है जिसका मास एम है समझना, और डिराइव बाय मशीन कांस्टेंट पावर, इस पे कांस्टेंट पावर पी लग रहा है जो कि के से रिप्रेजेंट किया है। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, जीरो से स्टार्ट हुआ है, तो टी टाइम बाद टाइम टी बीत चुका होगा, तो उस पे फोर्स की, देन फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल टी टाइम बाद। अगर टी टाइम बाद मुझे फोर्स निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? टी टाइम बाद अगर मैं फोर्स निकालूंगा तो मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, टी टाइम बाद मुझे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा जब तक वेलोसिटी नहीं पता चलेगी, क्योंकि वेरिएबल है ना यार, ठीक है। तो चलो, तो अब पावर दिया है, कांस्टेंट पावर है, तो पावर इज इक्वल टू जो एवरेज पावर होता है, दैट इज वर्क डिवाइडेड बाय वर्क डिवाइडेड बाय टाइम टी। अब अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है और यहाँ पर वेलोसिटी वी है, टी टाइम बाद वेलोसिटी वी है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ एम बी स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसको मैं वर्क को लिख सकता हूँ, वर्क इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी, और वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, दैट इज पावर पी टी। तो यहाँ से जो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, वेलोसिटी भी इज इक्वल टू आ जाएगा पी टी टू एम अंडर रूट, पी टी टू एम अंडर रूट, दिस इज द वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट, टू पी टी टू पी टी डिवाइडेड बाई एम, क्लियर है। तो ये जो वेलोसिटी है वो बेसिकली टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी आ गई, क्लियर है। अगर ये टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी आ गई, मुझे मिल गई, तो अब मुझे एक्सेलरेशन मिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है, वो होता है डी बी बाई डी टी। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें, डी बाई डी टी, चलो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, तो टू पी अपान एम कॉन्स्टेंट है और t रूट है, तो t रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा यार? तो एक्सेलरेशन जो आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा वो 2p अपॉन m और रूट t, हाँ रूट t का डिफरेंशिएशन, तो 1 बाई टू सामने आ जाएगा, और 1 बाई टू माइनस वन, मतलब माइनस 1 बाई टू, मतलब एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो 1 बाई टू और 2p अपॉन m अंडर रूट, और साथ साथ और टी की पावर अंडर रूट, मतलब यह आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसको अंदर घुसा दोगे, इसको अंदर ले जाओ, ठीक है, तो पी अपॉन टू एम अंडर रूट और टी माइनस वन बाई टू, दिस इज द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन इसमें मास से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स आ जाएगा, तो फोर्स हाँ मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स इज इक्वल टू मास से मल्टीप्लाई कर दो अंदर ले जाओगे, तो एम के पावर को पी लिखा है डिवाइडेड बाई टू अंडर रूट और टाइम टी की पावर माइनस वन बाई टू, दैट इज द टाइम डिपेंडेंट फोर्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, इट वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर पावर कॉन्स्टेंट है तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, ठीक है, और अगर वेलोसिटी से तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे। अब वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है तो पोजीशन भी टाइम डिपेंडेंट है, अगर पोजीशन निकालना होता, ठीक है भाई, पोजीशन निकालना होता तो इसको क्या लिखता मैं, अगेन वेलोसिटी को लिखता डी एक्स ओवर डी टी, और इसको एक बार इंटीग्रेट करता, ठीक है। तो यहाँ से पोजीशन एज ए टाइम डिपेंडेंट, वेलोसिटी एज ए टाइम डिपेंडेंट, एक्सेलरेशन एज ए टाइम डिपेंडेंट, फोर्स इज ए टाइम डिपेंडेंट, ठीक है।